हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड्स ऑफ एसएस और स्टेनलेस स्टील। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंडस्ट्री में कितने टाइप के स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं और उस स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से मेटल का कंपोजिशन होता है, कौन से मेटल का कितना कंपोजिशन होता है, कितना परसेंटेज होता है, वो डिटेल में इस वीडियो में हम सारी बातें जानेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉपिक्स इस वीडियो में क्या कवर करने वाला है। तो हम देखेंगे ग्रेड्स ऑफ स्टेनलेस स्टील्स एंड केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब हम कितने टाइप के ग्रेड्स के स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में और उनका केमिकल कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, मीन्स कौन कौन से धातु उसके अंदर मेटल कितना परसेंटेज में होते हैं, कितना मात्रा में होते हैं। देन फंक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एसएस, जो हम उसके अंदर जो भी अलग अलग ग्रेड में जो भी मेटल हम यूज करते हैं, मिक्स करते हैं, अलॉय यूज करते हैं, उसमें उनका फंक्शन क्या होता है उसके अंदर, वो उसमें क्या अपना रोल प्ले करते हैं, वो बातें डिटेल में समझेंगे। देन अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ एसएस, जो हमारा डिफरेंट ग्रेड का हमारा एसएस होता है, कौन से ग्रेड का कहाँ पे अप्लीकेशन होता है, क्यों किया जाता है, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए एक एक करके टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं एसएस में। तो एसएस में मैंने स्टेनलेस स्टील, तो इसमें सबसे जो ये होता है जो कार्बन होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है जो कार्बन। कार्बन हमारे स्टेनलेस स्टील को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन ये हमारा इसको प्रेजेंट रहने से, कार्बन का प्रेजेंट रहने से क्या होता है, प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, और जिससे क्या होता है कि वो कोरोजन इनहिबिटर नहीं होता, मतलब कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं हो पाता है। अगर किसी एसएस में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है तो उसमें वो उसके लिए कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं बनने देता है, ओके। लेकिन उसका स्ट्रेंथ है बढ़ा के रखता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ओके। देन क्रोमियम होता है, जो सेकेंड मेटल इसमें मिक्स किया जाता है एसएस में, वो होता है क्रोमियम। सब क्या होता है, सरफेस फिल्म पे क्रोमियम ऑक्साइड बना का एक लेयर बना देता है, जिससे क्या होता है कि एसएस का कोरोजन नहीं होता है, जिसके वजह से एसएस जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। तो हमारा जो क्रोमियम मेटल होता है वो क्या करता है, एसएस को कोरोजन रेजिस्टेंट बनाता है। देन हमारा जो थर्ड मेटल जो हम मिक्स करते हैं एसएस में, वो होता है निकल। निकल हमारा ये भी कोरोजन रेसिस्टेंट बनाता है हमारे एसएस को, और साथ साथ में ये डक्टाइल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। डक्टाइल प्रॉपर्टी एक ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम मेटल को वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, ओके। अगर मेटल के अंदर डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो हम उसको वायर के फॉर्म में नहीं बना सकते, ओके। तो निकल क्या होता है, वो मेटल को डक्टाइल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। देन फाइनली होता है जो एक होता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम धातु होता है, मेटल होता है जो कोरोजन रेजिस्टेंट इंक्रीज करता है मेटल का, एसएस का, एक हायर टेम्परेचर पे। बाकी सब होता है हायर टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं करते, लेकिन ये क्या करता है, हायर टेम्परेचर पे भी एसएस का कोरोजन रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी होता है मेंटेन करके रखता है, और स्पेशली क्लोराइड इन्वायरमेंट पे भी मेंटेन करके रखता है, ओके। अब आइए देखते हैं एक एक करके कितने टाइप के हमारे एसएस होते हैं जो जनरली इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। वो सिक्स ग्रेड के एसएस यूज किए जाते हैं, SS302, SS304, SS304L, SS316, SS316L एंड SS904L। तो ये सिक्स ग्रेड्स के जो एसएस होते हैं हमारे इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं SS302 होता है, उसमें क्या होता है, कार्बन परसेंटेज कितना होता है, 0.145% होता है, सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर, ओके। ये कार्बन परसेंटेज क्या करता है, हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं बनने देता है, कोरोजन रेजिस्टेंट के लिए हानिकारक होता है। देन क्रोमियम इसमें 17-19% होता है। देन निकल 8-10% होता है। मोलिब्डेनम इसमें एब्सेंट होता है। देन SS304 इसमें क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज थोड़ा कम हो गया, देखिए यहाँ पे 0.15%, यहाँ पर 0.08%। तो जो SS304 है इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, 302 से ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। इसमें क्रोमियम का परसेंटेज 18-20% होता है और निकल का 8-12% होता है। इसमें मोलिब्डेनम एब्सेंट होता है, ओके। देन SS304L होता है, इसमें भी कार्बन का परसेंटेज 0.03 मिस और इससे भी कम होता है, 304 से भी कम होता है, मिस SS304 से भी ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है SS304L, ओके। देन इसमें 18-20% क्रोमियम एंड 8-12% निकल होता है, इसमें भी मोलिब्डेनम एब्सेंट होता है, ओके। देन हमारा नेक्स्ट आता है SS316L, तो इसमें हमारा 0.08% कार्बन परसेंटेज होता है। देन 16-18% क्रोमियम
और इसमें 10 to 14 यहाँ पे क्रोमियम निकल का परसेंटेज ज़्यादा होता है SS316 में, बाकी की जो हमने पिछले 3 ग्रेड देखे उससे ज़्यादा इसमें होता है। और इसमें मोलिब्डेनम 2 to 3% प्रेजेंट होता है, ओके, जो इसको एक्स्ट्रा क्रोजर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। देन SS316 से होता है, इसमें 0.03% कार्बन होता है, 16 to 18% क्रोमियम एंड 10 to 14% निकल, इसमें भी 2 to 3% मोलिब्डेनम अब प्रेजेंट होता है। इसमें SS316 और 316L में डिफरेंस इतना होता है कि इसमें SS316L में कार्बन का परसेंटेज कम होता है, इसकी वजह से क्या होता है ये ज़्यादा क्रोजन रेजिस्टेंट होता है एज कम्पेयर टू SS316। देन फाइनली हमारा सबसे हाईएस्ट ग्रेड में जो आता है वो होता है SS904L, इसमें कार्बन परसेंटेज सबसे कम होता है 0.02% होता है और क्रोमियम परसेंटेज 19 to 23% होता है, देन निकल परसेंटेज 23 to 28% होता है और मोलिब्डेनम का परसेंटेज 4 to 5% होता है। तो ये हाईएस्ट ग्रेड में आता है, ये मोस्टली हाई क्रोजो एरिया में इसको यूज़ किया जाता है, ओके। तो जो हमारा जो एसएस का ग्रेड है जितना भी हमने से देखा, ये जो सबसे टॉप पे है वो लोवेस्ट ग्रेड का है और जो सबसे बॉटम पे है वो हाईएस्ट ग्रेड का है, ओके। तो इस तरह से हमारा ये 6 टाइप के हमारे होते हैं एसएस और ये इनका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। अब देखते हैं इनका यूज क्यों कहाँ पर होता है और कौन से ग्रेड का कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो जो लोअर ग्रेड्स का होता है जैसे कि SS302, SS304, SS304L, ये हमारे जनरली मशीन के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं और वो पार्ट्स जो मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जनरली फार्मा या केमिकल कंपनी में ये सब एसएस का ग्रेड के जो होते हैं वो पार्ट्स मशीन के वो पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे कि मशीन का कवर, बेस, फ्रेम, कवर, ऐसा जो डायरेक्ट प्रोडक्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम SS302 ए लोअर ग्रेड के एसएस का यूज़ करते हैं। हायर ग्रेड जैसे कि SS316L, SS316, SS904L, ये हायर ग्रेड में आते हैं तो इनको हम जनरली मशीन का वो पार्ट मैन्युफैक्चर करने के यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा फार्मा प्रोडक्ट या फिर केमिकल जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं उनको हम मैन्युफैक्चर करने के लिए हायर ग्रेड के एसएस का यूज करते हैं, ओके। तो इससे हायर ग्रेड का एसएस का यूज करने से क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो कंटामिनेट नहीं होता है क्योंकि इसमें रस्टिंग नहीं होता है, कोरोजन नहीं होता है और हमारा मशीन का लाइफ भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम ये जो मशीन के जो प्रोडक्ट वाले कॉन्टैक्ट पार्ट होते हैं हायर ग्रेड के सील से बनाते हैं और कॉस्ट सेविंग करने के लिए हम जो नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स होते हैं जैसे कि मशीन का कवर, बेस फ्रेम, वो हम लोअर ग्रेड से बना देते हैं। तो इस तरह से हम इंडस्ट्री में ये 6 टाइप का हम एसएस यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।